अपराध बढ़ रहा है, लेकिन अपराधी कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। जनपद बुलंदशहर के थाना नरसेना पुलिस ने 3 लग्जरी गाड़ी सहित एक अंतरराज्यीय गिरोह को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान के दौरान इसे हिरासत में लिया गया है। सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिसपे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें पीछे अन्य 2 बदमाश भी आ रहे थे, लग्जरी गाड़ी में थे, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पर बुलंदशहर पुलिस इन दिनों फुल एक्शन मूड में है, इसीलिए कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, इसीलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, नरसेना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर पकड़ा है। सर, कितनी गाड़ियां बरामद हुई सर, क्या प्रकरण है सर? कल नरसेना पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसी में एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोका गया। ड्राइवर की जो गतिविधि थी वो संदिग्ध प्रतीत हुई। एप्लीकेशन पे गाड़ी का नंबर जब चेक किया गया तो वो नंबर गलत पाया गया। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ की गई। विस्तृत पूछताछ में पूछताछ के आधार पे 3 गाड़ियां कुल बरामद की गई। एक मारुति सियाज एक स्विफ्ट और एक मारुति अर्टिगा कार बरामद की गई है। तीनों को कहीं से चुराया गया है और चुरा करके इसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर की प्लेट्स बदल दी गई हैं। इनसे इन गाड़ियों के सिवाय RC वगैरह पेपर्स भी बरामद हुए हैं। विस्तृत पूछताछ जारी है, इसके सह अभियुक्तों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।